विनायक दामोदर सावरकर। तो इनको देख सकते हैं कि 50 साल इनको इम्प्रेशन किया था, 50 साल अंडमान निकोबार आइलैंड में। जेल फ्यू फ्रीडम फाइटर्स के डिटेल्स आप देख सकते हैं, वीर सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर। तो इनको देख सकते हैं कि 50 साल इनको इम्प्रेशन किया था, 50 साल अंडमान निकोबार आइलैंड में। लाहौर कॉन्फ्रेंस 1915 देख सकते हैं। तो म्यांमार जो मांडले म्यांमार में एक सिटी है, तो वहाँ पे उनका, वहाँ से यहाँ उनको डिपोर्ट किया था। महावीर सिंह लास्ट में यहाँ दिखाऊंगा, और एक स्टैच्यू मोहित मित्रा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सारा डिटेल इसका, कब जा सकते हैं, कब खुलता है, एक्चुअली खुलता कब है, और इसका फीस देख लीजिए। फीस 30 रुपया है, एंट्री फी 30 रुपया है, और कैमरा का सबका दाम ज़्यादा है। तो आप देख सकते हैं ये जो है, ये सेल्स है जो मैं बोल रहा था, हर एक ये पूरा एक विंग है, ये पूरा विंग है, दूसरा विंग वहाँ है और एक विंग होगा। ये है सेलुलर जेल, तो वो आप देख सकते हैं, वो एक सॉर्ट ऑफ वॉच टावर है जो सेलुलर जेल का है। पुराना बिल्डिंग है, तो लाइक 1976 में कुछ बना है, अंदर बहुत पुराना बिल्डिंग है, बहुत पुराना टेंपल है, वो भी बहुत पुराना घर है, जो भी टीना का घर है बहुत पुराना है। ये अभी मैं हूँ एबरडीन जटी में, तो आप एक्चुअली देख सकते हो ये सामने जो दिख रहा है, ये है रोस आइलैंड जो अभी नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड, और वो है नॉर्थ बे। तो नॉर्मली यहाँ पे आप जो बोट्स देख सकते हैं, ये सारी बोट आपको रोस आइलैंड लेके जा सकते हैं, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस है आइलैंड, या वो आइलैंड अभी का रेट मतलब 2019 जून का रेट है, पर हेड 350 रुपया यहाँ तक जाने के लिए, और वहाँ तक जाने के लिए 700 रुपया, बहुत ज़्यादा रेट है। तो लेकिन ब्यूटीफुल आइलैंड है। एक्चुअली उस आइलैंड का हिस्ट्री ये है कि वहाँ पे जब ब्रिटिश रूल कर रहे थे अंडमान में, तो ब्रिटिश का हेडक्वार्टर वो था, और जेल था उधर, तो वो लोग रह रहे थे एक अलग आइलैंड में, ओके, छोटे वाले आइलैंड में रह रहे थे, और वहाँ से सबको रूल कर रहे थे, यहाँ पे बैठ के, यहाँ पे जेल था बस, बाकी सब तो कुछ भी नहीं था, खाली था। तो मैं सुना जब यहाँ आए थे, यहाँ पे जो ट्राइब्स थे जरवास, तो उनके साथ ब्रिटिशों का काफ़ी लड़ाई उड़ाई हुआ था, काफ़ी जरवास को मारे थे लोग, इसीलिए शायद एग्रेसिव हो गए थे, बहुत एग्रेसिव हो गए थे जरवास, लेकिन अभी नॉर्मल हो चुके हैं।
तो देख सकते हैं ये लास्ट यहाँ का बोट। सो 2-3 दिन के अंदर मैं जाने वाला हूँ, तो मेरा जो अंडमान का ट्रिप बहुत मज़ा आया, तो शायद मेरा ये आखिरी वीडियो हो अंडमान के लिए, तो इसलिए मैं सबको थैंक यू बाय बाय बोलना चाहता हूँ। मेरे जो फ्रेंड्स, मेरे जो जिससे मैं मिला हूँ, जिसने मुझे हेल्प किया यहाँ पे आने का, यहाँ पे सब कुछ देखने का, थैंक यू ऑल द थिंग, थैंक यू एवरीबॉडी। सो थैंक यू सब लोग, और बहुत मज़ा आया आखिर वापस 15 साल के बाद अंडमान आने के लिए। अब मैं 15 साल नहीं रुकूँगा, काफ़ी जल्दी ही आऊँगा, तो जर्नी रुकना नहीं चाहिए, जर्नी चलते ही रहना चाहिए। मैं तो एक जगह में रह के मैं बोर हो जाता हूँ, तो सबको मैं यही बोलता हूँ कि आप जर्नी करिए, बहुत मज़ा आता है। और यहाँ पे इतना ब्यूटीफुल जो जगह मैंने देखा है, जो आपको दिखाया है, जो एक्सपीरियंस मेरा हुआ है, और दूसरे कंट्री जाओगे और कुछ नया, तो जर्नी करिए, ट्रैवल करिए, और स्लो ट्रैवल करिए, और मतलब लग्जरी आपको बड़े लग्जरी आपको करना है करिए, लेकिन मैं तो ज़्यादा लग्जरी नहीं करता हूँ, लेकिन ज़्यादा बजट में भी नहीं करता हूँ, लेकिन नॉर्मल एकदम रहता हूँ, जहाँ पे मेरा पॉकेट हल्का ना हो। तो ये रहा मेरा अंडमान का सफ़र, और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और मुझे मेरे चैनल को देखते रहिए, बहुत कुछ आने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग। थैंक यू एवरीबॉडी, हार्ट से। यही मैंने बात किया था, जो बोला था, जो ब्रिटिशर्स जब अंडमान आए थे तो यहाँ पे पूरा एबोरिजिनीज रहते थे, मतलब जो जारवास, जो ट्राइब्स, डिफरेंट ट्राइब्स हैं, तो जारवास के साथ बहुत फाइट हुआ था, काफ़ी जारवास को मारे थे इनको, इन्होंने काफ़ी लोग मर गए थे, इसलिए जारवास काफ़ी एग्रेसिव हो गए थे, और बाकी ट्राइब्स भी। अभी जारवास नॉर्मल हो गए हैं। एक तोप दिख रहा है मुझे यहाँ पे, और ये मुझे पता नहीं क्या तोप है, ब्रिटिश का तोप है या जापनीज, पता नहीं। टॉप टॉप टॉप। सो वो ये है, अभी एक्चुअली हाई टाइड है, ये है कार्बन स्कोप, और आप देख सकते हो उधर दूर में बहुत बड़ा क्लाउड है। तो यहाँ पे आपको होता है जेट स्कीइंग, स्पीड बोट, ये सब, और एक्चुअली जहाँ पे जो एबरडीन बाज़ार से ज़्यादा दूर नहीं है, आप कैसे आ सकते हैं, आप चल के आ सकते हैं, गाड़ी में आ सकते हैं, शायद बस नहीं है, और टैक्सी कर सकते हैं, लेकिन टैक्सी थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, सब कुछ एक्सपेंसिव होता है। तू क्या करते हो, क्या करते हो? क्रिकेटर। ओके, दिखाओ मी, गिव मी सम शॉट्स, शो मी सम शॉट्स। ये मेरा फ्रेंड कल लड़का है। क्या बोल रहा है, नाम बताओ ना, एक एक शॉट्स का नाम बताओ। दिस इज कवर ड्राइव, एंड दिस इज कट, एंड दिस इज स्ट्रेट। ओके ओके, व्हाट एल्स? And this is helicopter. No, helicopter is like this. This is the short name is what? What? You know this short. This is sweep. This is sweep. And one more sweep is this is like this, and the reverse sweep is like this. Okay. क्रिकेट खेलूंगा। सुबह कितने बजे उठते हो? सुबह फिलहाल तो अभी 9:30 बजे उठता हूँ, लेकिन राउंड जाता हूँ तो 5-4 बजे उठ जाता हूँ। और क्या क्या, कितना कितना घंटा प्रैक्टिस करते हो?
दो तीन घंटा प्रैक्टिस करते डेली, प्रैक्टिस नहीं करता हूँ, और भी मेरे भाई जान भाई लोग आते हैं उसके साथ मैं मैच खेलता हूँ। ओके, किधर? नेताजी स्टेडियम पे। कल मैं जा रहा हूँ, खाना खाने आया हूँ। कूल मैन, हाई फाई। वापस फ्लाइट में, काफ़ी दिनों के बाद फ्लाइट में फ्लाई कर रहा हूँ, क्योंकि इतना दिन तक मैं पूरा सेलिंग कर रहा था। वापस मैं फोर व्हीलर से चेन्नई जा रहा हूँ, उसके बाद अपना बाकी ट्रिप प्लान होगा। प्लान क्या मुझे प्लान है देखते हैं। बस मज़ा आया, और जाते जाते मुझे हॉस्पिटल भी जाना पड़ा, क्योंकि मेरे दोस्त जो कल मैं मिला था रजी, सडनली इसको हॉस्पिटल में एडमिट किया। सो एयरपोर्ट आने के पहले मैं हॉस्पिटल जाके आया, तो ब्यूटीफुल, ठीक है, अच्छा लगा ट्रिप। मिस करूँगा जगह, लेकिन जर्नी कभी रुकना नहीं चाहिए। मिस करो, वापस आ सकते हैं, लेकिन रुको मत, नहीं तो आप कुछ नहीं देखोगे लाइफ में। जर्नी शुड बी गोइंग गोइंग नॉन स्टॉप। या फिर कुछ कुछ ग्लिम्स दिखाऊंगा जब अंडमान आइलैंड फ्लाई करेगा, तो एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू एवरीबॉडी, इट वाज ग्रेट प्लेजर। ये ही है मेरा शिप, ये शिप में मैं जा रहा हूँ अंडमान निकोबार आइलैंड। पोर्ट ब्लेयर में मैं उतरूंगा चेन्नई टू पोर्ट ब्लेयर, और ये 3 दिन लगेगा, मीन्स मैं मंडे ही पहुँचूंगा।